हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। तो आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बता जाऊंगा। उस टॉपिक का नाम है आई फ्रेम। क्या नाम है? आई फ्रेम। तो आई फ्रेम यूज होता है एक्चुअली जब हमें कोई और वेबसाइट का कंटेंट अपनी वेबसाइट में दिखाना हो या कोई और अपना वेबसाइट अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना हो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई फ्रेम दे देते हैं इसका टाइटल लेक्चर 17। तो देखते हैं एक बार वेबसाइट, तो देख लीजिए आई फ्रेम से हमने किया था मैंने, सॉरी आई फ्रेम आ गया यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं और कि कैसे। पहले मैं इसके अंदर हेडिंग दे देता हूँ, अच्छा हेलो हाउ आर यू। हेलो हाउ आर यू मैंने सेव किया, देखते हैं यहाँ आ गया हेलो हाउ आर यू आ गया। देखिए तो आई फ्रेम एक्चुअली क्या करता है वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई फ्रेम अब मुझे यहाँ पे सोर्स कोड लिंक डालना दूसरी वेबसाइट का, बट मैं गूगल वगैरह एक्सेट्रा का नहीं डाल सकता क्योंकि वो अलाउ नहीं करता दूसरी वेबसाइट को अपने अपना वेबसाइट दूसरी वेबसाइट में डालने के लिए। ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे कोई भी डाल लेगा फिर उनकी वेबसाइट का क्या काम रह जाएगा। तो वेबसाइट हमें इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं डालना, मैंने वही वेबसाइट अपनी वेबसाइट के अंदर डाल दिया। रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेरी वेबसाइट के अंदर आ गई है हेलो हाउ आर यू। मैं आपको गूगल का भी दिखाता हूँ बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यहाँ पे गूगल का लिंक या अमेजोन का लिंक डाल देते हैं, यहाँ पे वो भी नहीं करेगा रिस्पॉन्ड क्योंकि ऐसे कोई वेबसाइट अलाउ नहीं करती किसी वेबसाइट को कि अपनी वेबसाइट उनके अंदर डाल लें। हम देखते हैं चल रहा है नहीं। देखिए अमेजोन रिफ्यूज टू कनेक्ट, वो कनेक्ट करेगा ही नहीं किसी और वेबसाइट के अंदर ऐसे। बट आपको समझ आ गया कि इसका फंक्शन क्या है फ्रेम का। हम इसके अंदर इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, टाइटल भी सेट कर सकते हैं। मैं टाइटल सेट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एट्रिब्यूट टाइटल है ठीक है। तो टाइटल हम कर देते हैं हेलो, कोई बात नहीं। अभी मैं आपसे रैंडम टाइटल दे दिया, देखते हैं क्या होता है। बेसिक हमें टाइटल ऐसे यहाँ शो नहीं कर रहा, शायद हॉवर करेंगे तो करेगा। देखिए इसके अंदर भी अमेजोन रिफ्यूज टू कनेक्ट, क्योंकि ये पूरी वेबसाइट इसके अंदर है तो अमेजोन यहाँ भी इसके अंदर भी आएगा। मैं इसकी विड्थ पर हाइट सेट करके दिखा देता हूँ आपको। मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल, तो चलिए देखते कैसा दिख रहा है। विड्थ 400 पिक्सल देखिए बड़ा हो गया ये। हाइट भी मैं इसकी बढ़ा देता हूँ, हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 500। हम इसका बॉर्डर हटा सकते हैं अगर हमें हटाना है तो। स्टाइल टैग की हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, स्टाइल हम कर देंगे, बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर के अंदर हम लिखेंगे नन। कंट्रोलर से सेव, ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए इसका बॉर्डर हट गया, पूरा इसका बॉर्डर हट चुका है। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा आई फ्रेम क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।